अरे यार आते हो यार, बताओ ना। अभी आ गई अमूल ब्लीच। अरे भाई अमूल ब्लीच सनस्क्रीन लगाया जाता है, इसी के कारण मालिक ने मेरे 1000 रुपए और बढ़ा दिए। 52 दिल्ली के अंदर हम आ चुके हैं राजू चूर चूर नान द्वारका में। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया भैया, बढ़िया भैया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इतनी ज्यादा डिमांड कैसे कर रखी है दिल्ली में? भैया सबसे यूनिक है, इसलिए सबसे यूनिक है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे रखे हुए इनके चूर चूर नान, ये होती है भाई इनकी स्पेशलिटी। यहाँ पे भैया मिल रहे हैं लगातार, ये देखो यहाँ पे ये रखे हुए हैं। भैया ये चूर चूर नान में डाला क्या क्या जाता है, अंदर क्या होता है? 52 भैया कौन कौन से मसाले होते हैं इनमें? अरे यार आते हो यार, बताओ ना। इतना नहीं बता पाएंगे हम। अच्छा सीक्रेट है मसाले? मसाला बताने के 2.5 लाख रुपए लगते हैं। अच्छा जी, कितना टाइम लग जाता है वैसे भैया तैयार होने में? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट बाद देखिए भाई तंदूर पूरा भर के चल रहा है और ये निकाल के वहाँ डाले जा रहे हैं काउंटर पे। यहाँ पे देखिए काउंटर पे आने के बाद लगाया जा रहा है सबसे पहले बटर। तो भैया बटर का यहाँ पे इस्तेमाल पूरा पूरा है? पूरा पूरा है जी, भर के भर के एकदम। ये देखिए नानों का मेकअप किया जाता है, मेकअप सनस्क्रीन लगाया जाता है। अरे क्या बात है, उसके ऊपर पनीर घेरा जाता है। अच्छा जी, तो आप बटर है सनस्क्रीन? हाँ जी, पहले तंदूर में बटर लगाया गया था, उसके बाद नान आए हैं, फिर से बटर लगाया गया है और उसके बाद डाला गया पनीर। अभी आ गई अमूल ब्लीच। अरे भाई अमूल ब्लीच, ये देखो कितना सारा बटर आ गया। तो ऐसे भैया हर नाम के ऊपर आता है ये। और ये कौन सा मसाला भैया? ये शिलाजीत मसाला है जी। शिलाजीत मसाला? हाँ जी, सच में? हाँ जी। और ये देखे भाई चूर चूर बिल्कुल मजेदार, ऐसे गोला बना लेते हैं यहाँ पे। अरे क्या बात है, एक बार रुको, ये देखो भाई फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, ऐसे उछाल उछाल के बेचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई फ्लाइंग चूर चूर नान है इनके। भैया ऐसे ही बेचते हो यहाँ पे? ये जी हमारा स्टाइल है जी। अच्छा जी, ये स्टाइल दिखा के? ऐसे स्टाइल के कारण मुझे रखा हुआ है इसीलिए। भैया कह रहे भाई मैं करता हूँ नान का मेकअप और बस उछालता हूँ, ये दो ही काम है भैया आपके? गार्निश करते हैं यहाँ पे और उसके बाद उछाल के दिखाते हैं। तो भैया दिखाना जरा उछाल के, पहले तो बटर लगाया जाएगा। अमूल ब्लीच, अमूल ब्लीच आ गई और उसके बाद अब देखिए। और ये देखो भाई ये रहती है यहाँ पे इनकी स्टाइल। भैया कह रहे इसीलिए रखा हुआ है मुझे। उड़ाना कैसे स्टार्ट करा, ये फ्लाइंग कैसे बना दिया आपने चूर चूर नान को? ये कई बार मैं मजे लिया करता था ऐसे। अच्छा जी, हाँ जी मजे लिया करते थे? हाँ जी। तो ये स्टाइल ही बन गई फिर? ये मजा ही मेरा स्टाइल बन गया। हजार रुपए बढ़ा दिए। तो यहाँ पे भैया तंदूर बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। अगर आप देखोगे ना कभी भी आओगे, इनकी डिमांड इतनी ज्यादा है द्वारका के अंदर। भाई भैया सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुआ था ये? सबसे पहले फादर साहब लगाया करते थे, सिल्वर से स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी, 1984 में पहले ठेले पे थे। और भाई इनका जो स्वाद है ना पूरी दिल्ली में, अगर किसी से भी पूछोगे भाई राजू चूर चूर नान अलग ही लेवल पे फेमस है। इनका जो स्टाइल है, जो बेचने का तरीका वो भी अलग है। चूर चूर कर दो भैया एक बार। अरे ये देखो भाई यहाँ पे हमारी थाली लगाई जा रही है। सबसे पहले आ गया सैलेड, उसके बाद ये है हरी चटनी, ये देखो भाई रायता इनका गाढ़ा सा। 4-5 आइटम आते हैं और भाई सब में इतना ज्यादा बटर होता है। ये देखिए कितना ज्यादा बटर है पनीर के अंदर। और उनकी अगर आप दाल मखनी देखोगे तो भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे मक्खन पड़ा हुआ है, ऊपर से डाला जा रहा है पनीर। और ये भाई इनका ब्लीच, बटर की ब्लीच जो बोलते हैं भाई, ये डाला गया है भर के। ऊपर से आगे थोड़ी क्रीम, ये क्या चीज है? और यहाँ पे देखो भाई प्लेटें लग के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे बैक टू बैक लगाए जा रहे हैं नान, सिर्फ नान का यहाँ पे वेट हो रहा है, बल्क में यहाँ पे बनाए जाते हैं। आप देख सकते हो बिना उछाले भाई सर्व नहीं करते। और ये देखो भाई आ चुकी है प्लेट, रेडी हो गई। तो भाई यहाँ ना मैं आपको दिखाता हूँ इतना ज्यादा बटर ये डाला जाता है। ये देखो पूरा का पूरा बटर पिघल चुका है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। लेकिन हमारे नान ना भीगे हुए हैं बिल्कुल, अलग ही बटर में भीगे हुए हैं बिल्कुल। और ये देखो भाई फुल बटर वाली यहाँ पे दाल मखनी है हमारे पास। अब वेट नहीं हो रहा, टेस्ट करते हैं इसको। और अब हम ट्राई करेंगे इनका पनीर। इसमें आप ये पनीर देखो कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, पीस तो आपको मिलता ही है, साथ में ना ये भाई ऊपर से और डालते हैं और बटर डालते हैं भर के। ये देखिए भाई अलग ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसको भी ना हम टेस्ट कर लेते हैं। अब क्वांटिटी आपको यहाँ पे भर के मिलेगी, आप दोबारा रिफिल करा सकते हो यहाँ पे एक एक बार। अगर मैं बात करूँ टेस्ट की तो अलग ही लेवल पर है। यहाँ पे सुबह 11 बजे के बाद आना और 1 बजे से पहले आना तो आपको कम रश मिलेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।